गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, मायसेल्फ तरुणा श्रीवास्तव, आई एम योर मॉरल साइंस टीचर। आपको पता है बच्चों, मैं हमेशा आपको एक ना एक स्टोरी सुनाती हूँ जो आपके बुक से रिलेटेड होती है या जो अलग से हम सुनाते हैं। आज हमारी स्टोरी जो है वो हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर है। हेल्थ मीन्स सेहत और वेल्थ मीन्स संपत्ति। हमारी हेल्थ है वही हमारी संपत्ति है। आप लोग कितने खुश होते हैं, याद करो उन दिनों में जब आपका पीटी पीरियड होता था, आप कोई भी एब्सेंट नहीं होते। आप कहते हो कि नहीं नहीं हमें घर हमें जाना है, क्योंकि पीटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखती है, गेम्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं, जो आपको कितना चेयरफुल रखते हैं, कितना आपका एनर्जेटिक रखते हैं। सोचो जो बच्चे गेम्स नहीं खेलते, जो बच्चे अभी आप नहीं जा पा रहे, कैसा आप अपने आप को अनहेल्दी फील कर रहे हो। तो आपने मैंने किसी भी क्लास में जाके देखा कि हमेशा यही देखा कि हर बच्चा जिस दिन उसका गेम पीरियड होता है वो आता है, उसे लगता है कि आज मुझे गेम्स है। तो हेल्थ पे हमारा गेम्स का, हमारे पीटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और हमें एक्सरसाइज क्या देती है, उसके बारे में हम पढ़ें। और हमारी इससे हमारी, आपको पता ही है, एक्सरसाइज से हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है। आज जब हमारी हेल्थ इम्प्रूव होती है तो हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं। आपको देखा है जब आपको कोई दर्द होता है, कुछ होता है पेट में, आप क्या करते हो, आप बड़ा अनहेल्दी सा फील करते हो। आपको ऐसा लगता है, लिथार्जी से लगते हैं, थके हुए से लगते हो, लगता है कि कोई कुछ कहे ना। वही जब आप खेल के आते हो ऊपर से तो आपको कैसा लगता है, बहुत यू आर फील सो 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 गुड। तो चलो स्टार्ट करें बेटा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ इज वेल्थ, जिसमें हम एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे और जो नहीं करता उसके बारे में जानेंगे। नाउ स्टार्ट अवर लेसन। टू कीप हेल्दी वी मस्ट डू एक्सरसाइज। हमें हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज कीप्स अवर ब्लड सर्कुलेशन प्रेफर। जो हमारा एक्सरसाइज होता है हमसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होता है। इट आल्सो कीप्स अस इन गुड शेप, और हमें गुड शेप में भी रखता है। ना हम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, ना ज़्यादा पतले दिखते हैं, ना कहीं से पेट निकल रहा होता है, ना ही बहुत सिन कहते हैं। एक्सरसाइजिंग इज आल्सो इंजॉयबल। यस इट्स ट्रू आई थिंक, क्योंकि बच्चों को एक्सरसाइज करने से बहुत इंजॉयफुल होता है। नाउ वी नो व्हाई द पीटी पीरियड इज कंपल्सरी इन स्कूल एवरी वीक। अब आपको पता चला कि पीटी पीरियड क्यों होता है स्कूल में, आपकी भी होती है वीक में एक बार पीटी पीरियड। बट दिस हैबिट ऑफ एक्सरसाइज मस्ट नॉट बी गिवन अप एज आर ग्रो ओल्डर। तो हमें ये जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी हमें इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना चाहिए। वॉकिंग इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। हम अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में बात करें। वॉकिंग, आपके पेरेंट्स जाते होंगे, आपको भी साथ ले जाते होंगे, तो वॉकिंग जो होता है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पार्क में जाके वॉक करना या सड़क पे कुछ टहलना, दिस इज कॉल्ड वॉकिंग। योगा इज अनदर एक्सीलेंट एक्टिविटी, गुड फॉर बोथ द बॉडी एंड द माइंड। और आपको मैंने पहले भी लेसन में बताया था कि योगा से हमारी माइंड और बॉडी दोनों बहुत एक्टिवेट होते हैं, और योगा से हमारी जो पीटी टीचर आपके लिए डालती हैं, और आपने देखा होगा जब आप उन एक्सरसाइज को आप करते हो तो कितना अपने आप को बॉडी को रिलैक्स करते हैं और माइंड आपको फ्रेश हो जाता है। सम स्कूल कंडक्ट योगा क्लासेस फॉर देयर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे स्कूल में होता है। गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, रनिंग रेसेस एंड कीपिंग help us to be fit. Even simple physical exercise of the PT period helps the body to keep fit. जब हम PT period में एक simple से exercise करते हैं जो आपके जना मैम कराती हैं, आप कितने अपने आप को energetic feel करते हैं, कितना physical exercise करने के बाद कितना आपको sweating निकलता है, कितना अपने आप को अच्छा feel करते हैं। Cycling and swimming in the same way are very good. अब आप ये नहीं सोचिए कि अभी आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं तो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बॉल खेल रहे हैं तो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप फुटबॉल से आप बैडमिंटन खेल रहे हैं घर में तो भी वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सब कुछ आता है।
जो हमें फिट करता है। देयर आर एक्चुअली इन अ होस्ट ऑफ एक्टिविटी टू चूज फ्रॉम, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो फन व्हेन डन इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। और जब इनको फ्रेंड्स के साथ करते हैं तो बात ही अलग होती है। आप अगर जब साइकिल लेके अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। समीर वॉज ए इंटेलिजेंट 10 years old। अब हम एक बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है समीर, जो कि 10 साल का लड़का है। हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम फॉर हिज बिहेवियर एट होम। और उसके पेरेंट्स हमेशा उसको बहुत प्रेज करते हैं कि कितना अच्छा बिहेवियर है। हिज टीचर प्रेज्ड हिम फॉर हिज हार्ड वर्क एट स्कूल। वो अच्छे से पढ़ता है, पेरेंट्स उसको प्राउड फील करते हैं। सो ही शुड बी अ हैप्पी बॉय। तब तो उसको हैप्पी बॉय होना चाहिए क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसके क्लास में टीचर्स को अप्रिशिएट करती हैं। बट ही इज नॉट अ हैप्पी बॉय। क्यों? बट ही वॉज नॉट, क्यों नहीं हैप्पी? ही वॉज ऑफन सैड ही हैड नेवर वॉन एनी प्राइजेस ऑन द स्पोर्ट्स डे। सब कुछ अच्छा है लेकिन उसका स्पोर्ट्स डे में उसने कोई भी प्राइज नहीं जीता। केवल उसे पढ़ने में तो बहुत अच्छे से उन्हें प्राइज मिले लेकिन जहाँ स्पोर्ट्स की बारी होती है वहाँ से कोई प्राइज नहीं मिला। इनफैक्ट रिसेंटली देयर हैड बीन अ सैड इंसिडेंट इन हिज लाइफ। वंस आफ्टरनून एज ही वॉज गेटिंग ऑफ हिज स्कूल बस ही नोटिस अ यंग गर्ल क्रॉसिंग द रोड अबाउट 100 yards अवे। एक बार की एक इंसिडेंट होता है उसके साथ कि एक लड़की जब वो स्कूल से आ रहा है तो एक लड़की क्रॉस कर रही होती है। अ स्कूटर वॉज कमिंग स्ट्रेट टुवर्ड द चाइल्ड। वो जो स्कूटर होता है उसके सामने से आ रहा होता है। समीर saw this and ran towards the girl to save her। समीर जब उस लाती हुई लड़की को देखता है, छोटी सी 10 ईयर की लड़की, तो उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन वो उस टाइम पे नहीं पहुंच सकता, पहुंच पाता और लड़की, जैसे पिक्चर में देख रहे हो, लड़की स्कूटर वाले से वाला हिट हो जाती है। और जो इंसिडेंट होता है वो बहुत माइनर होता है और लड़की जल्दी से ठीक हो जाती है लेकिन वो बहुत अपसेट हो जाता है। उसे एक इंसिडेंट उसके साथ होता है, उसके बाद वो एब्सेंट हो जाता है, वो बहुत अपसेट हो जाता है। फ्रॉम दैट डे हिज कॉन्सिक्वेंस नेग्ड हिम कॉन्स्टेंटली। उसका जो दिमाग है वो हमेशा कहता है व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट कमिंग फर्स्ट इन क्लास। वो कहता है कि फर्स्ट मैं क्लास में फर्स्ट आता हूँ उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मदर प्रेजिंग एंड मेरी नीटनेस के लिए मुझे टीचर प्रेज कर रही है, टीचर प्रेज कर रहे हैं, मेरी मदर प्रेज कर रहे हैं। You could not even save the little children। तो वो कहता है कि ऐसे प्रेस से क्या फायदा जब मैं एक छोटे से बच्चे की 10 ईयर की लड़की को सामने आते हुए स्कूटर से नहीं बचा पाया, तो मेरा ऐसा होने का फायदा क्या है? What is the use for me? ऐसा वो रिलैक्स वो सोचता है। समीर न्यू द रीजन फॉर दिस। समीर को पता है कि इसका रीजन क्या है। He was not physically active। वो क्यों नहीं बचा पाया? क्योंकि वो physically active नहीं था। वो इतनी तेज नहीं भाग सका जितनी तेज उसे भागना था जिससे वो उस लड़की को हिट होने से बचा सके। He hated PT teacher क्योंकि उसको PT क्लास अच्छी नहीं लगती थी। एक्सरसाइज वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम। वो सोचता था पढ़ने से अच्छा मैं एक्सरसाइज से अच्छा मैं पढ़ने बैठूं। तो वो हमेशा जब उसका पढ़ाई हो जाता था वो TV देख लेता था अपना टाइम पास करने के, या पढ़ाई करता रहता था। तो उसके लिए रहता था गेम से खेलो, फुटबॉल से खेलो, ये सब तो बेकार टाइम है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक्सरसाइज वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम फॉर हिम। ही थॉट स्टडिंग आर वॉचिंग TV वॉज ए बेटर वे टू पास टाइम। वो कहता है था या तो पढ़ू या तो TV देख लूं या मैं पढ़ लूं, ये सबसे अच्छा टाइम पास है। Hence, he could not run fast and no stamina क्योंकि उसके अंदर भागने का स्टेमिना ही नहीं था क्योंकि वो भाग तो पाया ही नहीं थी तेज जितनी तेजी से उसे भागना था। और इतनी देर में वो लड़की हिट हो जाती है स्कूटर के द्वारा। तो दैट इज वाई ही कुड नॉट सेव दैट गर्ल। सपोज हिज यंगर ब्रदर नीडेड सच हेल्प इन फ्यूचर एंड ही कुड नॉट प्रोवाइड इट, द थॉट वॉज फ्राइटनिंग। समीर डिस्कस द प्रॉब्लम विथ हिज मदर। इसने फिर बाद में जब उसको रियलाइज हुआ तो उसने अपनी मम्मा से बात करी। उन्होंने कहा She advised him to start exercise regularly। उसकी मम्मा ने कहा कि तुम्हारा स्टैमिना बहुत कम है तो तुम्हें कोई भी एक एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए, चाहे तुम रनिंग करो, चाहे तुम फुटबॉल से खेलो, चाहे तुम भागो, चाहे तुम बैडमिंटन खेलो, चाहे तुम योगा करो, बट एक एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। She also told him to join the local
स्विमिंग क्लब। उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम्हारे पास टाइम है, तुम शाम को जा करके योगा स्विमिंग क्लास में चले जाया करो, स्विमिंग क्लब ज्वाइन कर लो एंड टू स्पीक टू हिज पीटी टीचर एज वेल। और उसने कहा अपने इस बारे में अपने टीचर को बताओ। ही रिसीव हेल्प फ्रॉम अदर, उसे बहुत सारे लोगों से हेल्प मिली। ही शोड हिज ऑन डेडिकेशन टू सो समीर स्टेमिना एंड स्पीड इम्प्रूव। उसके बाद जल्दी ही उसका स्टेमिना समीर का बढ़ गया। ही गॉट सिलेक्टेड इन द फुटबॉल स्कूल टीम। और उसके बाद जब उसने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, उसका स्टेमिना इतना अच्छा हो गया कि वो पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की फुटबॉल टीम के भी सिलेक्ट हुआ। एंड जो उसकी जो सैडनेस थी वो क्या हो गई, वो डिसअपीयर हो गई, भाग गई, क्योंकि उसको स्टेमिना नहीं था, वो स्टेमिना उसको वापस मिल गया। तो हमारे का क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इज ग्रेटेस्ट वेल्थ, हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो हेल्थ है। व्हाई इज एक्सरसाइज हैज यूजफुल टू अस, आप बताओ हमारे लिए एक्सरसाइज क्यों यूजफुल है, क्योंकि एक्सरसाइज गिव अस मोर स्टेमिना। एक्सरसाइज से हम स्टेमिना मिलता है, हम फिजिकली एक्टिव होते हैं। ओके, व्हाट टाइप ऑफ गेम्स हेल्प अस टू कीप फिट, हमारे को हेल्प करने के लिए कौन से गेम्स फिट करते हैं। हमें प्लेइंग अच्छा होता है, एक्सरसाइज में रनिंग बहुत अच्छा होता है एंड बैडमिंटन, खो खो और स्विमिंग, दिस आर द टाइप ऑफ गेम्स विच हेल्प टू फिट कीप फिट। ऑल्दो समीर वॉज इंटेलिजेंट बॉय बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वाई, आपका क्वेश्चन है कि समीर बहुत इंटेलिजेंट बॉय था बट क्यों नहीं हैप्पी था, बिकॉज ही वॉज नॉट गुड इन इन पीटी, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं करता था। ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि वो ही एक तो रीजन हो गया उसके सामने, ही उसने अपनी एक 10 ईयर लड़की को बचा नहीं पाया, उसके सामने से उसका एक्सीडेंट हो गया, बट वो नहीं सेव कर पाया उसे क्योंकि उसका स्टेमिना नहीं था। जब तक वो भागता तब तक वो स्कूटर वाला उसको हिट करके चला गया। उसके बाद वाई वॉज समीर अपसेट आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद अपसेट क्यों था, बिकॉज ही वॉज नॉट, बिकॉज द गर्ल वॉज नॉट सेव बाय हिम, क्योंकि गर्ल उसके द्वारा सेव नहीं हुई और वो हिट कर गया, बिकॉज द यंग गर्ल वॉज नॉट सेव बाय हिम। What did his mother advise him to do? उसकी मदर ने क्या एडवाइस किया? His mother advised him to do daily exercise, to do some extra time of exercise, and she told him to join a swimming club. उसकी मम्मा ने कहा था ना कि आप लोकल स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लो और अपने पीटी टीचर के बारे में से उससे बारे में बात करो। नेक्स्टली यस क्लियर आपको सारे को। नेक्स्ट है समीर वॉज सॉरी ही कुड नॉट डैश ऑन स्पोर्ट्स डे, क्या है समीर वॉज सॉरी, समीर सॉरी था कि ही कुड नॉट ऑन स्पोर्ट्स पार्ट्स ऑन स्पोर्ट्स डे। द लिटिल गर्ल वॉज हिट बाय अ स्कूटर while, किसके द्वारा हिट हुई थी, while hit by a scooter while crossing the road, Samir's dash nagged him about being weak, अब बताओ इसमें क्या आएगा, बोलिए बेटो, समीर वॉज नैक्ड हिम डैश अबाउट द हिल। ओके, देन है डैश डिस्कस द प्रॉब्लम विथ हिज मदर, समीर डिस्कस द प्रॉब्लम विथ हिज मदर, जो वर्ड क्या आएगा समीर, शी एडवाइज हिम टू स्टार्ट स्विमिंग रेगुलरली, उसकी मदर ने क्या एडवाइस किया कि आप स्विमिंग रोज करो। फर्स्ट में क्या आएगा, समीर वॉज सॉरी ही कुड नॉट डैश ऑन स्पोर्ट्स डे, बोलो क्या हुआ, डैश द लिटिल गर्ल वॉज हिट बाय स्कूटर वाइल क्रॉसिंग द रोड,
समीर नेक्ड हिम से समीर डिस्कस द प्रॉब्लम विथ हिज मदर शी एडवाइज हिम टू स्टार्ट स्विमिंग रेगुलरली। ये आपका लेसन हो गया। अब आप ये गेम देख रहे हो, कौन सा गेम है इसमें खुद 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 करके आते हैं, इसको कहते हैं कबड्डी। इस गेम ऑफ कबड्डी, इसमें कबड्डी कहते हैं। और ये क्या है, इसको 1 2 3 स्टापू कहते हैं। इसका वर्ड है हिंदी में स्टापू। इसमें 8 नंबर तक नंबर होते हैं और एक एक नंबर पे जाके कूदना होता है। ओके, तो नाउ होप ऑल चिल्ड्रन आज के बाद आप सब एक एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आप साइकिलिंग कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, जब आप कहीं नहीं जा रहे तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं नीचे जा करके। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा नहीं खेल सकते, कॉन्टेक्ट मिले, साइकिल तो आप अकेले कर सकते हैं। अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं तो आप घूम सकते हैं। और अभी तो आप स्विमिंग नहीं ज्वाइन कर सकते, अभी आप जो कर सकते हैं वो साइकिलिंग कर सकते हो, जो आप अकेले कर सकते हो, आप अपने अकेले वॉक कर सकते हो। ओके, या स्टेयर्स के ऊपर नीचे ऊपर कर सकते हो, हॉपिंग कर सकते हो, रस्सी की रेख होती है उसको आप पूछ सकते हैं। तो आप सोचो, और मैं आपसे पूछूंगी जब हम मिलेंगे, मैं आपसे पूछूंगी आप कौन कौन से गेम खेले थे, आपने लॉकडाउन में कौन कौन से गेम खेला था, और आप कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। और हेल्थ तो हमारी सबसे अच्छी होती है ना, जब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। आई होप आपको सबको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस लेसन के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए डेली कोई ना कोई एक एक्सरसाइज जरूर करेंगे। आप समीर के जैसे इंटेलिजेंट भी बनेंगे और साथ में एक्टिव भी बनेंगे। आपको कोई सैडनेस नहीं होगी, आप अच्छे से पढ़ेंगे भी और अच्छे से एक्सरसाइज भी करेंगे और अपने बॉडी को फिट रखेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।